सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज है 10 मई 2023, और 10 मई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माणाधीन हो चुका है, देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन किस देश के अंदर शुरू हुआ, और मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह आपको डेली लाइव ये 6 बजे क्लास मिलती है, और शाम को मेरी 8 बजे आपको पता है EORO एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की रिविजन क्लास है मिलती है। तो कल टाइम नहीं था, इस वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाई। आज आपको शाम को क्लास 8 बजे आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करें, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कौन सा शहर देश का पहला सोलर सिटी बनेगा? तो वो बनेगा मध्य प्रदेश के अंदर है सांची शहर, ये देश का पहला सोलर सिटी बनेगा। कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता? ये जीता है आर्याना संबालेका ने। कौन सी टीम 2014 के बाद पहली बार कोपा डेलरे चैंपियन बनी? ये बनी है रियल मैड्रिड। जेरेमी लाल रिनुंगा ने एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के माध्यम से प्रदूषण रहित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? ये किया है चंडीगढ़ में। भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ? ये हुआ है बांग्लादेश। और किस बॉलीवुड अभिनेता को वैकपीट.डॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है आयुष्मान खुराना को। तो ये कल के क्वेश्चन थे रिवाइज। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करें, एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, लाइव जुड़ जाइए मेरे साथ सारे विद्यार्थी। पहला प्रश्न देखो, किन दो शहरों के बीच भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण होगा? यानी कि कौन से ऐसे दो शहर हैं जिनके बीच भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण होगा? ये होगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। किसके बीच है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण है होगा, यानी कि वर्तमान में निर्माण इसका निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है इसका। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि MAHSR वर्तमान में भारत में मुंबई और अहमदाबाद के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए इसका निर्माणाधीन चल रही है। तो ठीक, वर्तमान में निर्माणाधीन है, ठीक है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा, यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जापानी सरकार की सहायता से 1.1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू की जा रही है। 1.1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये लागू की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में इसका निर्माणाधीन चल रही है। दूसरा प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी? ये रखी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। हैदराबाद के अंदर क्या है? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। कहां पर है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी है। नरसिंगी में 200 करोड़ रुपए की लागत से 6 एकड़ भूमि पर 400 फीट ऊंचे ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बस ऊपर वाला एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, ये जरूरी नहीं है, ऊपर वाला आपको बस याद रखना है भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के अंदर कहां पर है? हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की इन्होंने नींव रखी है। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? ये आ चुका है खेल का प्रश्न, और मैंने अलग से आपको 2023 के जितने भी शानदार प्रश्न बनते थे खेल का, उसका अलग से मैंने आपको वीडियो भी दे दिया है। हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट जो EORO वाली रिविजन करंट अफेयर्स की बनी हुई है ना, उस पर वहां पर क्या ये सारे आपको रिविजन क्लासे मिल जाएगी। पुरस्कार की मैंने दे दी योजना वहां पर दे रखी है,
और उसके बाद में खेल खिलाड़ी मैंने दे दिए। अभी हो सकता है आज या कल तक आपको एक आपके लिए उसमें जो दिए बना जो किसी भी किस संस्था के द्वारा कौन सा परीक्षण किया गया, जैसे नासा संगठन उनके द्वारा, वो अलग अलग उसकी भी क्लास आपको मिलेगी। तो किसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता, ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टापेन ने रेड बुल टीम के साथी सर्जियो पेरेज को हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 से जीता है। बस आपको इतना याद रखना है कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? किस देश के अंदर है 42वां एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर। और वर्तमान में एशियन के मतलब कितने देश इसमें शामिल है? वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश शामिल है, ठीक है। और इसका जो 42वां एशियन शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया के अंदर है शुरू हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन को बोलते हैं एशियन का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आसियान मामले और विकास का केंद्र विषय के साथ शुरू हुआ है। ये विषय अब की बार इसका रखा गया है आसियान मामले विकास का केंद्र, ये अब की बार इसका विषय रखा गया है। इसी विषय के साथ 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति बनने के लिए लोक की आशाओं और प्रयासों को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश इसमें शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि आसियान में अंदर कितने देश शामिल है? 10 सदस्य देश इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? ये देखो आ चुका है, इसके अलग से मैं क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए, बड़े ही शानदार, क्योंकि लगभग यहाँ से एक दो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो किस संगठन ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया? ये किया है इसरो ने। किस संगठन ने किया है? इसरो ने इसको शुरू किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए एक नए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शुरू किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के जो स्नातक छात्र हैं उनके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शुरू किया है। और वर्तमान में आपको बताया इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस वर्तमान में सोमनाथ है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना के कौन सा सबसे पुराने लैंडिंग पोत 36 साल तक सेवाओं के बाद मुक्त कर दिया गया है? यानी कि भारतीय नौसेना का ऐसा कौन सा जो पोत है वो सबसे पुराना लैंडिंग पोत है, उसको क्या 36 साल तक वो सेवाओं करने के बाद उसको मुक्त कर दिया गया, उसका नाम है मगर। क्या नाम है? उसका नाम है IS, ये जहाज का नाम है मगर। इसको अब मुक्त कर दिया, यानी कि 36 साल तक इसने सेवाएं की थी, अब इसको मुक्त कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत INS मगर को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद मुक्त कर दिया गया है। नौसेना बेस में आयोजित सूर्यास्त समारोह में कमांडर हेमंत वी सालुखे की कमान में पोत को मुक्त सेवा मुक्त किया गया। तो यहाँ पर नौसेना बेस में क्या है, एक कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया, उसमें कमांडर थे हेमंत वी सालुखे, उनकी कमान के अंदर क्या उस पोत को यानी कि मगर पोत को सेवा मुक्त किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया? ये किया है किरण रिजिजू ने। ऑप्शन नंबर एक किसने किया है? किरण रिजिजू ने किया है कि ये इन्होंने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। देखो, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने गृह राज्य अरुणाचल प्रदेश की टैगिन भाषा में पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है कि किरण रिजिजू के द्वारा केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपने गृह राज्य अरुणाचल प्रदेश की ये टैगिन भाषा में पहली फिल्म का ट्रेलर इन्होंने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने ललितपुर जिले के अंदर राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? ये दी है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने दी है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्म पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना के लिए पशुपालन विभाग से औद्योगिक विकास विभाग को 1500 हेक्टेयर भूमि के हस्ताक्षरण की आवश्यकता होगी। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसने ये आपको याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन फॉर यू लास्ट वीडियो। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग किस देश में शुरू हुआ? ये हुआ है दुबई के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा? महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार ज्यादा से लाइक शेयर करेंगे, शानदार तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है, बस बढ़िया तरीके से आप लगातार क्लासें देखते रहिए। प्रश्नों को आप जितना टाइम मिले आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए, निरंतर पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को मजबूत करते रहिए और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी आशा के साथ अपनी इस क्लास को देते हैं यहीं पर विराम। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।